भारतीय किसान क्रांति यूनियन व जन क्रांति आंदोलन का 6 सूत्री मांगों का महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार उतरौला को सौंपा। जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला अंतर्गत बाजार चीनी मिल इटई मैदा के खिलाफ 6 सूत्री मांगों का महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार उतरौला को सौंपा। ज्ञापन में बाजार चीनी मिल इटई मैदा द्वारा वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान एवं विभिन्न समस्याओं के संबंध में महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार उतरौला को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि बाजार चीनी मिल इटई मैदा ने सन 2022 व 2023 का गन्ना मूल बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया है, जो कि ज्ञापन के माध्यम से कई बार मांग किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ है और न ही गन्ना एक्ट के तहत कोई कार्रवाई किया गया है। अतिशीघ्र पिछला व वर्तमान सत्र 2022 व 2023 का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके और अपनी जरूरत को किसान पूरा कर सके तथा 2022 व 2023 के गन्ना पर्ची पर गन्ना मूल्य नहीं लिखाया जा रहा है। अतिशीघ्र गन्ना मूल रेट 450 प्रति कुंटल की दर से भुगतान कराया जाए। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है, किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। छुट्टा जानवर से छुटकारा दिलाने के लिए पशुओं को गौशाला में भिजवाया जाए तथा बर्बाद हुए फसलों का मुआवजा दिया जाए। गन्ना एक्ट के तहत गन्ना मूल्य ब्याज सहित किसानों का भुगतान दिलाया जाए। बढ़े हुए बिजली के दरों को वापस लिया जाए व बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का लूट का खसोट बंद कराया जाए और जिगना तेंदुए के पावर हाउस की क्षमता बढ़ाया जाए, जिसमें किसानों को सप्लाई सुचारू रूप से मिल सके। चमरूपुर बाजार में राष्ट्रीय महिला डिग्री कॉलेज बनाए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर भारतीय किसान क्रांति यूनियन व जन क्रांति आंदोलन के पदाधिकारियों की अगुवाही में महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार उतरौला राजेंद्र बहादुर को सौंपा गया। वहीं इस संबंध में भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने कहा कि अतिशीघ्र सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो धरना व किसान पंचायत अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। वहीं इस संबंध में बाजार चीनी मिल के GM संजीव शर्मा ने कहा कि पेराई सत्र 2022 का पूरा भुगतान कर दिया गया है तथा अतिशीघ्र पेराई सत्र 2023 का भी भुगतान कराया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने भी जनसभा को संबोधित किया। क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन। क्या आज का कार्यक्रम क्या रहा? अब आज का कार्यक्रम बलरामपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह के निर्देशन में था, जिसमें गन्ना मूल्य भुगतान और छोटा जानवर को पकड़वाने की व्यवस्था, ये दो मुद्दे अहम थे और इन दो मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई और वार्ता का क्रम सफल रहा। गन्ना मूल का भुगतान अभी GM साहब ने बताया कि पिछले वर्ष का पूरा कर दिया गया है और नए वर्ष का एक दो दिन में शुरू कर दिया जाएगा, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। और ये जो उतरौला के तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने बताया कि छुट्टा जानवर एक महीने में हम गौशालाओं में संरक्षित कराने का कार्य कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि अगर ये लोग अपने वादे से कहीं ना कहीं मुकर गए तो यह आंदोलन तेज होगा और किसान अपनी रणनीति तय करेगा कि हम लोग इसमें सफलता कैसे पाएं। फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्रांतिकारी कदम हम लोगों का उठाना दायित्व तो है, पहले अनुरोध उसके बाद विरोध। क्या नाम है? मोहम्मद खलील साहब, भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिला अध्यक्ष बलरामपुर। क्या कार्यक्रम रहा आज का? आज का कार्यक्रम रहा जो है 5 सूत्री ज्ञापन को लेकर ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय उतरौला को। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम 5 सूत्री ज्ञापन दिया गया है, जिसमें यह मुख्य मांग था गन्ना मूल्य भुगतान पिछला और वर्तमान सत्र, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि मैंने पिछला भुगतान कर दिया है और नया भुगतान आज से ही शुरू किया जाएगा और उसके बाद में मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है कि यदि हम धरना प्रदर्शन रोज नहीं करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि अगर यह बात झूठा हुआ और आज झूठा साबित हुई है, भुगतान नहीं हुआ आपके कहने के मुताबिक, तो हम आपको अगला पड़ताल जो है गन्ने का पड़ताल नहीं करने देंगे। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिससे कि किसान
परेशान है, किसान भुखमरी के कगार पर है, किसान के घरों में शादी है, बेटी बेटे की शादी है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। बताइए, किसान अन्न का दाता है फिर भी मारा जाता है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ, और आर पार की लड़ाई हम बजा चीन से लड़ने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान क्रांति यूनियन बलरामपुर।